खगड़िया जिला की पर्वता प्रखंड अंतर्गत मुरादपुर गांव के चौधरी परिवार में दिन दहाड़े शौचालय टैंक द्वारा नई सफाई को लेकर हुई जमकर लाठीबाजी, जो कि आप सभी को सीधे वीडियो फुटेज के माध्यम से दिखा रहे हैं। यहां वीडियो फुटेज को देखने के बाद आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या पर्वता प्रखंड में इन मनचलों को प्रशासन का कोई भय नहीं है? आखिर पर्वता प्रखंड में प्रशासन किस लिए है? आम जनता आपसी लाठीबाजी को छोड़ प्रशासन की मदद क्यों नहीं लेते हैं? हालांकि इस लाठीबाजी के बाद मामला पर्वता थाना में दर्ज तो हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश 5 दिन होने के बावजूद भी एक भी मनचलों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं इस लाठीबाजी में 2 व्यक्ति स्वर्गीय सहदेव चौधरी के सुपुत्र श्यामलाल चौधरी और श्यामलाल चौधरी की धर्मपत्नी बिक्कू देवी को घायल बताया जा रहा है, जो फिलहाल खतरे से बाहर हैं। वहीं घायल श्यामल चौधरी ने बताया कि कुछ दिनों बाद उनकी बेटी की शादी होने वाली है, जिसके चलते शौचालय टैंकी खाली करवाने के लिए टैंकर गाड़ी आई हुई थी और शौचालय लोडिंग के वक्त आसपास दुर्गंध देने लगी, जिसके चलते विपक्षी पार्टियों द्वारा शौचालय टैंकर को बंद करवाने को लेकर ये झड़प हुई। आपका क्या नाम हुआ? श्यामल किशोर चौधरी। और ये कैसे लड़ाई झगड़ा हुआ? अपना घर के अंदर शौचालय साफ करवा रहे थे, घरे घर पाइप होते हुए जा रहा था, उसके बाद रोड पर गाड़ी लगा हुआ था। उसके बाद दिलीप चौधरी और दिलीप चौधरी के बेटा सब पांचों पेटा मिल के आया, ऊपर से जो है ना गाली गलौज किया, गाली गलौज करते करते जो है ना गाड़ी बंद कर दिया। गाड़ी बंद करने के बाद जो है ना रड से जो है ना सर लोहा वाला रड से और लाठी से जो है ना हमको भुट्टा की तरह डंगाना स्टार्ट कर दिया। मारते मारते जहन मार के गिरा दिया हमरे और हमरे पत्नी को। मारा क्या? मारा दिलीप चौधरी। दिलीप चौधरी का पांचों लड़का नीतीश कुमार, रितेश कुमार, अभिषेक कुमार, आशुतोष कुमार और ब्रजेश कुमार। आप इसकी जानकारी पर्वता थाना को दी है? पर्वता थाना को भी दिए हैं। क्या बताया उन्होंने? उन्होंने बताया कि अच्छा ठीक है, आपका इंक्वायरी जो है हम ले लिए हैं, इंजरी ले लिए हैं जी, जो होगा आगे कार्रवाई किया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।